सो गाइज, आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि आप पोजाओ लॉन्चर में कोई भी सर्वर कैसे ज्वाइन करके खेल सकते हो। जैसे कि आप देख सकते हो ऊपर मैंने टैब दबाया, चार लोग प्ले कर रहे हैं और मैं एक सर्वर में हूँ। तो इस तरीके से ना आप सर्वर में आकर प्ले कर सकते हो। मैं कंप्लीट प्रोसेस बता रहा हूँ और बहुत सारे एरर भी आते हैं अगर आप पोजाओ लॉन्चर से जाते हो तो सारे के सारे एरर कैसे फिक्स कर दे वो भी मैं आपको बताने वाला हूँ। तो सबसे पहले तो यहाँ पे ना आपको पोजाओ लॉन्चर चाहिए जो कि प्ले स्टोर से या फिर नहीं है तो लिंक मैं देता हूँ, वहाँ से कर सकते हो। तो यहाँ पे लोकल अकाउंट बनाना है और लोकल अकाउंट में आपका एक यूजर नेम होना चाहिए। वहाँ पे अंडरस्कोर नहीं चलेगा, देख सकते हो अंडरस्कोर करोगे तो पॉसिबल नहीं है, बिना अंडरस्कोर के और बिना स्पेस के बनाना है। तो यहाँ पे मैंने बना लिया। उसके बाद आपको यहाँ पे एडिट बटन पर क्लिक करना है। तो यहाँ पे कुछ भी क्रिएट नहीं करना है, यहाँ पे पेंसिल का आइकन है उस पर क्लिक करोगे तो यहाँ पे कुछ भी चेंज नहीं करना। जैसे कि यहाँ पे होली लैंडर है सब डिफॉल्ट रहने देना है आपको। खाली यहाँ पे वर्जन में जाके वर्जन सेलेक्ट करना है, 1.20 1.90 रिलीज में जाना है, स्नैपशॉट वो सब में नहीं जाना है। तो 1.20.1 में यहाँ पे सेलेक्ट करता हूँ और यहाँ पे प्ले पे क्लिक करता हूँ। तो ये थोड़ा सा टाइम लेगा क्योंकि ना ये अभी वर्जन सेलेक्ट हुआ है, दो टास्क होगा, मतलब एक डाउनलोड होगा एक तरीके से, 600 MB का होता है। तो अगर आपके पास MB है तो ध्यान रखना 600 MB जाएगा। तो यहाँ पे मैंने ना पार्ट को क्लिप कर दिया, डाउनलोड हो गया मेरा। तो यहाँ पे मैं लोड होने देता हूँ। तो देख सकते हो कुछ इस टाइप का एरर आ रहा है। तो ये एरर नहीं है, खाली स्क्रीन मतलब आपके पीछे का लोड नहीं हुआ है। आप चाहो तो इसको गेम को है ना क्विट करके वापस रिस्टार्ट कर सकते हो, पोजाओ लॉन्चर को ठीक हो जाएगा। लेकिन मेरे को कोई मतलब करने की ज़रूरत नहीं क्योंकि इससे कुछ भी इशू नहीं होता। तो यहाँ पे मैं आपको बता दूँ कि आप कैसे प्ले कर सकते हो। जैसे मल्टीप्लेयर में जाओगे यहाँ पे आपको प्रोसीज पे क्लिक कर देना है, यहाँ पे डू नॉट शो दिस स्क्रीन अगेन। इससे क्या है, इससे आप एक कंसेंट दे रहे हो ताकि थर्ड पार्ट मतलब थर्ड पार्टी से आप ऑनलाइन मैप खेल सको, लाइक अटर्नस के सर्वर। अगर आप ये इग्नोर करोगे तो आप कभी प्ले नहीं कर पाओगे SMP में। तो यहाँ पे मैंने उसको एक्सेप्ट कर दिया। उसके बाद आपको यहाँ पे IP पोर्ट डालना है। तो मैं आपको IP पोर्ट एक दिखाता हूँ, आप चाहो तो इसमें ज्वाइन कर सकते हो। मेरा ही एक सर्वर है जिस पे मैं प्ले करता हूँ, मतलब ऑलमोस्ट हर रोज 20 से 30 लोग प्ले करते हैं। तो मतलब एक पब्लिक सर्वर है, मतलब मेरे खाली सब्स के लिए आप आ सकते हो आना हो तो इसका मैं IP आपको दिखा देता हूँ। नरूतो 7, मतलब ये नरूतो SMP इसका नाम है और ये 7th सीजन है इसका। तो नरूतो 7.aternus.me आपको यहाँ पे दिखा दे रहा हूँ। मैं कुछ भी बोलूँ आप बस ये कॉपी पेस्ट कर दो जो आपको दिखा रहा हूँ मैं। तो ये आपको सेम टू सेम है ना आपके पोजाओ लॉन्चर में डाल देना। आपका 1.19 और 20.1 कुछ भी आ जाना, इसमें टेंशन नहीं। तो यहाँ पे मैं इसको ना थोड़ा सा लोड होने देता हूँ। ओके, यहाँ पे ऑफलाइन है तो इसको ऑनलाइन करते फटाफट से। तो यहाँ पे मैं ऑनलाइन करके आ चुका हूँ। यहाँ पे देख सकते हो द सर्वर इज करेंटली स्टार्टिंग। तो थोड़ा सा हम वेट करते हैं। ओके, तो यहाँ पे हमारा सर्वर स्टार्ट हो चुका है। तो अभी हमको क्या करना है, अभी देख सकते हो आपको ना सिंपली आपका सर्वर ऑनलाइन है तो आपको ज्वाइन बटन पर क्लिक करना है या फिर ज्वाइन सर्वर क्लिक कर सकते हो। पहले उसके ऊपर क्लिक करना है और ज्वाइन सर्वर पर आपको क्लिक कर देना है। तो हम यहाँ पे ज्वाइन कर देते हैं, मतलब ये हम करेंगे ना तो ज्वाइन तो हो जाएगा। लेकिन एक और चीज़, बहुत लोगों के है ना सर्वर में पासवर्ड प्रोटेक्शन लगा होता है, जैसे कि मेरे सर्वर में, ताकि कोई एक दूसरे का हैक ना कर ले। क्योंकि दूसरे लोगों के यूज़र नेम से आते तो हैक हो जाता है, जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पे पासवर्ड प्रोटेक्टेड लिखा हुआ है। तो आपको पहले रजिस्टर करना पड़ेगा, मतलब मोस्ट ऑफ के ना मतलब बड़े बड़े जितने भी आपका देखते हो Apple MC उन सब के उसमें ना पासवर्ड का ऑप्शन होता है। तो ये चीज़ आपको याद रखना है, रजिस्टर कैसे करते हैं बहुत ज़्यादा सिंपल है, मैं आपको बताता हूँ। मतलब कोई भी टफ नहीं है, आपको खाली चैट, यहाँ पे चैट का ऑप्शन है उसको क्लिक कर देना है और वापस के बाद कीबोर्ड कर देना है। बिना कीबोर्ड पर क्लिक किए आप टाइप नहीं कर पाओगे। तो यहाँ पे लिखना है /register और मैं आपको दिखाता हूँ। और /register लिखने के बाद यहाँ पे जाके ये वाला ब्रैकेट कर देना, उसके अंदर आपको जो भी पासवर्ड रखना है रख देना है। जैसे कि मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ /register और कुछ इस तरीके से ब्रैकेट रखना है और उसमें पासवर्ड, उसके बाद एंटर कर देना है। और ये पासवर्ड आपको नहीं भूलना है, एक स्क्रीनशॉट ले लेना क्योंकि ये आपको है ना हर बार लॉगिन करने का, आगे कैसे लॉगिन करते हो वो भी बताऊंगा। तो यहाँ पे देख सकते हो मैं सक्सेसफुली यहाँ पे लॉगिन हो चुका हूँ, मतलब रजिस्टर हो चुका हूँ। अभी मैं प्ले कर सकता हूँ। तो ये है ना, मैंने एक नया ID बनाया इसलिए मेरे को रजिस्टर करना पड़ा, वरना मेरे को कोई ज़रूरी नहीं था। देख सकते हो 3 लोग ऑनलाइन भी आ गए इस पर। मैं कहता हूँ कि लोग है ना 20-30 लोग खेलते हैं अभी तो नाइट के टाइम में, डे में बहुत ब्यूटीफुल लगता है हमारा SMP, ज़रूर आकर ट्राई करना। IP तो मैंने आपको दिखा दिया। तो यहाँ पे ओके, एक बंदा चला भी है, चलो कोई नहीं। तो अभी हम यहाँ से चलते हैं, मैं आपको थोड़ा सा लुक दिखा देता हूँ। वैसे नाइट में ज़्यादा खास नहीं दिखेगा और मैंने रेंडर भी कम करके रखा क्योंकि पोजा में थोड़ा बहुत लैग का इशू होता है ना, तो उसके लिए मैंने कम कर दिया। वैसे तो मेरा 6 GB रैम वाला है, मैं इजीली 8-10 चंक पे खेल पाता हूँ, लेकिन मैं नहीं खेला। और इसमें है ना वो भी लगा है लैंड प्रिवेंशन, मतलब खुद के एरिया को क्लेम कर लोगे ताकि कोई और आके ना तोड़ ले। बड़े बड़े SMP में ये होता है, वो मतलब कॉमन से ऐड होने। यहाँ से मैं चल लेता हूँ सबसे पहले। तो देख सकते हो ये मेरा एक छोटा सा घर है, लेकिन उसको मैंने ना दूसरे ID से बनाया तो अभी एक्सेस नहीं कर सकता। तो यहाँ पे मैं आ चुका, अभी है ना मैं आपको दिखाता हूँ कि आप कैसे देखो कोई यहाँ पे कमेंट करे, आप उनसे बातें भी कर सकते हो। चैट पे क्लिक करोगे फिर कीबोर्ड पे क्लिक करोगे लिख सकते हो। तो यहाँ पे ना मैं आपको बताता हूँ सेव एंड क्विट कैसे कर सकते हो। सिंपली नॉर्मली जैसे आप गेम सेव एंड क्विट करते हो वैसे कर देना, और कुछ नहीं। यहाँ से बैक आ जाते और दोबारा अगर आप ज्वाइन करना चाहते हो तो आपको वो पासवर्ड याद रखना है, जैसे कि मैंने स्टार्टिंग में बताया। पासवर्ड बिल्कुल मत भूलना, यहाँ पे आपको सिंपली अंदर जाना है और थोड़ा सा टाइम लगेगा।
और अंदर आने के बाद आपका जो पासवर्ड याद रखना, मेरा तो सेशन कंटिन्यू है तो मुझे लॉगिन नहीं करना पड़ेगा, लेकिन अगर आप 15 मिनट बाद 10 मिनट बाद आते हो तो आपको लॉगिन करना पड़ेगा। तो आपको /login लिखना है, फिर स्पेस छोड़ने के बाद आपका पासवर्ड जो आपने रखा है एकदम कॉपी टू कॉपी डाल देना है, जैसे कि आप देख सकते हो एकदम कॉपी टू कॉपी पासवर्ड, कुछ भी चेंज नहीं। उसके बाद मैं यहाँ पर एंटर करता हूँ और लॉगिन हो जाओगे। तो इतना सिंपल है। और हाँ, कभी कभी कोई एरर आता है, जैसे कि सेशन टाइम आउट या फिर हमारा है ना जावा एक्सपेक्टेशन एरर, तो वो कॉमन सा एरर है, नेटवर्क इशू की वजह से होता है। तो आपको क्या करना है, थोड़ा देर डाटा बंद करके फिर वापस से स्टार्ट कर देना है, आपका हो जाएगा। तो अगर आपको वीडियो पसंद है तो एक लाइक ज़रूर कर देना है।